एशिया कप शुरू हो चुका है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टाकरा 2 सितंबर को है। इससे पहले लोगों का क्या रिव्यू है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह के लोग मज़े मज़े के रिव्यू कर रहे हैं। उसमें विराट कोहली है, गुमराह है ना, विराट कोहली प्रेशर हैंडल कर सकता है। ये 350 स्कोर करे ना पाकिस्तान, तो इंडिया वास्ते कोई मुश्किल नहीं है। वो ऐसा प्लेयर है, रोहित शर्मा 200 कर सकता है। पहले 6 ओवर जब एक इंडिया कैसी तबाही लौंदा है रोहित शर्मा ते चुप चलो ही वे ले पहले 6 ओवर पहले ही बोलते उड़ेगा शुभमन गिल का पता भाई, टेंशन नहीं लानी यार। मेरे हाल में कोहली को और शुभमन गिल की अगर विकेट्स गिर जाती हैं तो मैच सही बात है हमारी तरफ ज्यादा होना हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। के पास जो तस्वीरें हैं, इंडिया का स्क्वाड है, एक तरफ पाकिस्तान का स्क्वाड है, कौन सा स्क्वाड ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है? इंडिया आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है? फिलहाल जो ऊपर है, ऊपर वाली है वही है। मुझे भी इंडिया, क्योंकि बाकी दिल पाकिस्तानी है लेकिन इंडिया जीतेगी, क्योंकि तारीफ भी उठा के देख ले, इंडिया ही जब भी पाकिस्तान का मैच हुआ है तो इंडिया ही जीती है। अब ओवरऑल मेरे हाल में अगर वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखें, इंडिया हमेशा ज्यादा डोमिनेंट रहे, नो डाउट। विराट कोहली अकेला चल गया तो पाकिस्तान की टीम उन्होंने कोहली अगर अकेला चल गया तो टीम कर देनी है। अगर रोहित शर्मा पहले 6 पावर प्ले खेल गया तो भाई पाकिस्तान से मैच निकल जाएगा क्या? रोहित शर्मा पहले ओवर में उठो यार, बड़े मैचों में हमेशा पाकिस्तान भाई अनमर्तबा रोहित शर्मा पहले ओवर में उठो, प्रेशर कभी पाकिस्तान। सही बात है, प्रेशर दे वजह से फारेगा इंडिया ना। उसके बाद विराट कोहली है, गुमराह है, पता है आपको कैसे यार का मारे, उसे पता है बच्चा है ये तो बच्चा है। हमारे पास शहीन है, हारिस रऊफ है। अच्छा देख यार, जो है ना विराट कोहली प्रेशर हैंडल कर सकता है, ये 350 स्कोर करे ना पाकिस्तान, अफगानिस्तान बाबर आजम उठाई दे बाबर आजम 50 स्कोर वाला प्लेयर यार पागल है तू। कोहली ने हारिस छक्के भी मारे यार। बैट्समैन का एक दिन होता है, उस दिन उसका दिन था, जिस दिन आमर का दिन था ना उस दिन कोहली नहीं चला। ओ बेटा जो कोहली चल जावे ना तो 400 करवा 400 वो विन कर जा, 400 बना के भी इंडिया ले विन कर दे भाई, साडी इतनी बॉलिंग भी गंदी नहीं हैगी जिवें तू कही जा रहे हैं लाल कपड़े वाला। जर तू अंदर ये तो खार ने गुवानी ने साथ गुवानी ने बच्चे कोहली ये बड़ा प्लेयर है, लेजेंड रोहित शर्मा बड़ा प्लेयर है, उनां दे खिलाफ भाईजान ने नहीं हारे सर कर चल सकता। रोहित शर्मा लास्ट टाइम कब चला था हमारे खिलाफ? कौन रोहित शर्मा? 19 वाले वर्ल्ड कप नहीं देखा? हां 2019 के भाई बताओ ना यार, इसको बच्चा 2019 के वर्ल्ड कप में तोता सी पाकिस्तान ने, वर्ल्ड कप आउट ही थोड़े को नहीं होया। अच्छा कितने साल हो गए, कितने साल हो गए? ये जड़े ना तेरे शाइन हो रहे, ये जड़े जड़े शाइन हो रहे ना, ये तेरे जड़े कोहली तक नहीं चल सकते। कोहली वड्डी ने खेलता है, उस सामने खेलता है, कोई डाउट 2-3 को पता चल जाएगा कि कौन किस की पता चल जाएगा, की पता चल लागे जिंदाबाद। देखिए इंडिया के पास ओपनिंग है यार, लाल कपड़े वाले ने तो हजार भाग दौरा करता, केएल राहुल थोड़ा ड्रॉप हुआ है, और पाकिस्तान की ओपनिंग कौन से स्ट्रांग नजर आ रहा है? यार मेरे हाल में अगर ये दोनों बहुत बड़े हिटर हैं, शुभमन गिल की आप लास्ट टाइम की परफॉर्मेंस देख लेना आईपीएल में, तो आपको देख के पता चल जाएगा। शहर वो इंडिया की पिचेस भी थोड़ी उस टाइप की बहुत अच्छा प्लेयर। विराट कोहली द लेजेंड, क्या कहेंगे उनके बारे, उनको कौन आउट करेगा, कौन पकड़ेगा? यार ही इज द किंग कोहली। मेरे हाल में अगर जो मैच निकालने वाला है ना हमेशा की तरह, जो कि प्रेशर में खेलने वाला है ना, वो कोहली है। उससे मैच अगर ले जाना है तो वो कोहली खेल सकता है। मैं आप जो है ना हिस्ट्री में भी देख लें, हमेशा से अर्ली ऑन विकटें भी गिरती हैं, इन कोहली को आउट करना हमेशा सारे बॉलर्स की मुश्किल है। नो डाउट हमारे पाकिस्तानी जो बॉलिंग स्टार्स हैं, जैसे हारिस रऊफ हो गया, कई इंटरव्यूज में मैंने सुन चुका हूँ कि जो है ना विराट कोहली क्रिकेट में रहा ड्रीम। सही बात है, उम्मीद करते हैं शायद ये ड्रीम पूरा हो जाए। जो कोहली है ना पूरी दुनिया में बड़ा प्लेयर है, विनर प्लेयर है। दूसरी गल ये है कि कोहली प्रेशर हैंडल कर सकता है, जो तुम्हारा बाबर है ना आखिरी ओवर में स्कोर 12 नहीं बना सकता। कोहली बाबर प्लेयर अच्छा है लेकिन प्रेशर के टाइम वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता। इस गल का मैंने पता है, आप मान के चल करियो एक मिनट, आप पहले दिन सीरीज हो गया पाकिस्तान दे, सीरीज हो गया उन्होंने आखिरी ओवर 19 स्कोर मारे बाबर आजम ले दस। कोहली बोल गई, कोहली ने कोहली फर्क है यार। मेरे हाल में कोहली को, कोहली का ना फर्क है, अगर विकेट्स गिर जाती हैं तो मैच मैच का पलड़ा हमारी तरफ ज्यादा होना हमारे।
देखिए ब्रदर अंडरस्टूड बात है, हमें तो पाकिस्तानी स्क्वाड अच्छा नजर आ रहा है, पाकिस्तान की टीम ही एज अ फर्स्ट स्ट्रांग है, लेकिन पाकिस्तानी स्क्वाड में कुछ खामियां जरूर हैं, जैसे इमाद हुसैन को टीम में नहीं किया गया, बाकी टीम अच्छी है, लेकिन यह कि इनकी एक दो प्लेयर्स ऐसे जिनकी जगह नहीं बनती थी, लेकिन सलमान आगा और पहले नंबर पे सलमान आगा जिनकी जगह ही नहीं बनती छोड़ा गया है, अगर ये दो तीन प्लेयर्स ऐड हो जाते तो पाकिस्तान का स्क्वाड बहुत बेहतर होता। दोस्तों ये सी अज दी वीडियो, इन दे विच बड़े मजे मजे दे असी रिव्यू देखे, जिन्हां दे विच ओ लाल कपड़े वाला जड़े जिन्हें ओरेंज कलर दे कपड़े पाए उन्हें ते अखीर करती, उन्हें आख्या कि भाई कोहली जड़ा वो प्रैशर दा प्लेयर है, प्रैशर नू हैंडल कर सकता, ठीक है ना, ते गल ठीक है हुंदी, टीम इंडिया दी भी चंगी है, टीम पाकिस्तान दी भी चंगी है, लेकिन हुण देखांगे कि कल 2 सितंबर नू केड़ी टीम तगड़ी बनती है ते केड़ी टीम उम्मीदा ते पूरी उतरती है। तो बड़े कमाल दे रिव्यू देखे, बड़ा ही मज़ा आया, बहुत ही चस्सदार से। अच्छा दूसरा है कि हालिया 2-3 साल तो पाकिस्तान इंडिया नू डोमिनेट करता रहा, पाकिस्तान की टीम इन्नी माड़ी नहीं हैगी, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत चंगी है, बैटिंग जी थोड़ी जी इंप्रूवमेंट करनी पैनी है, साडा मिडल ऑर्डर भी नेपाल के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग सी, लेकिन जोड़ा ओपनर है ना फखर जमान तो दूसरा इमाम, इनू थोड़ी जी अगर 12-13 ओवर खेड जाना तो इनशाला असी इंडिया नू टफ टाइम दे सकने। तो नंबर 2 इंडिया की थोड़ी जी बॉलिंग लूज है, बॉलिंग उन्होंने थोड़ी जी माठी है, बैटिंग उन्होंने नो डाउट बहुत तगड़ी बैटिंग है, कोहली शर्मा शुभमन गिल सूर्या कुमार यादव पांड्या उन्हां दी बैटिंग बहुत तगड़ी है, इन्दे च कोई शक नहीं है, देखने कि कल केड़ी टीम मैच जितती है, ते बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर पाकिस्तान, मिलने एक नवी वीडियो च, अपना ख्याल रखना, मैनू दुआवां च याद रखना, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।